तामर्दिवर्णां तपसा जलन्तिं मै रोचनीं कर्म फलेषु तुष्टा सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः दुर्गां देवीं गुं शरणमहं प्रपद्ये सुरक्षितर्षे नमः ॐ अलि प्रचोदयात् ओम काली। भले पुतले जला रहे हैं, उनके मन को तसल्ली अगर पुतले जलाने से मिल रही हो, या उनको ऐसा लगता है कि वो सही हैं, उनके माध्यम से वो सही होंगे, क्योंकि वो कांग्रेस का रूप बता रहे हैं, ना कि देश की भक्ति की बता रहे हैं, ना हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से पुतला जला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए गांधी जी एक कांग्रेस थे, और हमारे लिए देश और हिंदुत्व पे काम करने वाले गुरुजी हमारे, जो सर्व परे है, जो सबको हट के सिर्फ देशभक्ति और देश की सुरक्षा और देश को क्या फ़ायदेमंद है उस चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उस चीज़ में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप का पुतले जलाओ या कुछ भी कर लो, जीत हमेशा सच्चाई की हुई है और आगे भी सच्चाई की होगी, क्योंकि हमारे गुरु जी अतिशय अपने विश्वास के साथ जो शब्द बोलते हैं वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने आज तक कभी कोई गलत भाषणबाजी नहीं करी, और आज भी हम उनके समर्थन में हैं। ना उनने कोई गलत शब्द वापरा है, उनने जो भी बोला है सही बोला है। हर व्यक्ति को अपना इच्छा रखने का अधिकार है। वो नहीं मानते अपने आप को राष्ट्रपिता, नहीं मानते वो गांधी जी को, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उनने अपनी मन की बात सबके सामने रखी है। ओम काली, ओम काली, ओम जा तामर्दिवर्णां तपसा जलन्तिं मै रोचनीं कर्म फलेषु तुष्टा सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः दुर्गां देवीं गुं शरणमहं प्रपद्ये सुरक्षितात्। नरोत्तम मिश्रा के आए हैं, उसके बाद ही मामला तूल पकड़ने वाला है, साफ तौर पे संकेत मिल रहा है। पहले से मैं क्लीनिक पे कर देता हूं, सुबह 2:30 बजे आप में जहां से भी आ रहा हूं, बस आए ऐसी कुछ सब लोगों ने पकड़ लिया। हम जी नहीं आने का होने का है, मुझे नहीं पता, मोहनपुर नहीं पता कौन से क्या पर ठीक है, जिसमें बारी उसी पकड़ लिया दोनों।